जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो एकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली ये मैं बना रहा हूँ पूरा सैलरी पे, जो आपकी सैलरी ट्रेनिंग टाइम के रहनी हो, ट्रेनिंग के बाद में BSF, CRPF, CISF, ITVP, CISF, असम राइफल, इन सभी अलग अलग डिपार्टमेंट की सैलरी क्या रहने वाली है पूरी डिटेल के साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए कि किसकी सैलरी क्या होती है, सैलरी में इतना डिफरेंस क्यों होता है। एक ही डिपार्टमेंट में होने के बावजूद आपने देखा होगा किसी की सैलरी 50,000, किसी की 30,000, 20-20,000 का डिफरेंस क्यों, 10-10,000 का डिफरेंस क्यों, 15-15,000 का डिफरेंस क्यों रहता है सैलरी में, क्या इसका रीज़न है, और आपको मतलब क्या करने से वो ज़्यादा सैलरी मिलती है, किस वजह से ज़्यादा सैलरी मिलती है, जिनको मिलती है उसका क्या रीज़न है, रिस्क अलाउंस के अलावा और क्या क्या रीज़न है जिनकी वजह से सैलरी में इतना डिफरेंस रहता है। आपने खुद ने देखा होगा अगर एक बंदा CRPF में जॉब कर रहा है, दूसरा बंदा भी CRPF में जॉब कर रहा है, अगर आप उनसे सैलरी पूछोगे तो दोनों की सैलरी में 10,000-15,000 तक का भी डिफरेंस आता है, 20-20,000 तक का भी डिफरेंस आता है सैलरी में। तो ये क्यों आता है? या CISF में भी अगर जॉब कर रहा है उसकी सैलरी में भी इतना डिफरेंस मिलेगा, BSF में भी मिलेगा, इसका रीज़न क्या है दोस्तों? तो ये पूरा का पूरा डिटेल जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल फौजी मेहत अकेडमी, अगर आपने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लीजिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे। आने वाली नई वैकेंसियों के बारे में उधर नया अपडेटिंग वीडियो देता रहता हूँ, साथ ही मैथ और रीजनिंग की क्लास चलाता रहता हूँ। तो दोस्तों जिनको भी मैथ और रीजनिंग की क्लास लेनी है वो उस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर है। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि जो सैलरी है आपकी, सबसे पहले बात करते हैं ट्रेनिंग से, ट्रेनिंग में किस डिपार्टमेंट की सैलरी कैसी होती है इसके बारे में बता दूं। दोस्तों आपने ये भी देखा होगा कई डिपार्टमेंट में अगर आप BSF की ट्रेनिंग की सैलरी देखोगे, या CISF की देखोगे, CRPF की देखोगे, CISF की देखोगे, या SSB की, या असम राइफल की, सभी की ट्रेनिंग की सैलरी अलग अलग रहेगी, एक नहीं रहेगी। किसी के जैसे 25,000 रहेंगे तो किसी के 27,000 रहेंगे, किसी के 26,000 रहेंगे, किसी के 24,000 रहेंगे, किसी के 23,000 रहेंगे, इस प्रकार से चेंजिंग होती है। क्यों होती है, उसके पीछे क्या रीज़न है? तो दोस्तों अब बात करते हैं, सबसे पहले अगर आप CRPF की ट्रेनिंग करते हो या CRPF में आपका सिलेक्शन हुआ तो दोस्तों आपका 21,700 बेसिक पे, उसके साथ में आपको DA मिल जाता है। DA मतलब मान के चलिए अगर 1500-1600 रुपये का आपका शुरुआती DA मिलेगा तो 21,700 22,000 मान लीजिए 1500 रुपये को लगा के 23,500। इसके अलावा आपकी जो मेस मनी मिलती है उसको आप काउंट नहीं करिए, क्योंकि मेस मनी का जो पैसा है वो आपसे हर महीने काट लिया जाएगा या बाय हैंड ले लिया जाएगा, तो उसको आप काउंट ना करें सैलरी में। इसके अलावा मिलता है HRA, तो HRA आपको हर एक जो बिंदा, अब इसकी सैलरी में डिफरेंस कहाँ से शुरू होता है, HRA से शुरू होता है आपके ट्रेनिंग में डिफरेंस। अब कईयों को 8% मिलता है, कईयों को 16% मिलता है, कईयों को 24% मिलता है। जो महानगरों में रहते हैं उनको 24% मिलता है, जो नगरों में रहते हैं उनको 16%, और जो विलेज में रहते हैं उनको 8% मिलता है। तो अगर आप मान के चलिए आपको 1800 रुपये अगर वो मिल रहा है तो 25,000 आपकी सैलरी। अब अगर कोई बंदा BSF की ट्रेनिंग कर रहा है तो उसमें क्या उनकी बटालियन के हिसाब से उनकी सैलरी बनती है, तो बटालियन की पोजीशन के हिसाब से उनकी सैलरी बनती है, तो हो सकता है कि उनकी 26,000 या मतलब उससे आसपास हो, लेकिन सेम सैलरी नहीं होगी। उनका HRA का रूल अलग है, लेकिन उनका जो सैलरी ट्रेनिंग टाइम का जो पेमेंट करने का तरीका होता है, कई बार क्या होता है कि ट्रेनिंग में आपको HRA नहीं दिया जाता है, वो HRA आपको जब सर्विस बटालियन में आप ड्यूटी करते हो तब जाके वो HRA एक साथ दिया जाता है। अगर HRA नहीं दिया जाता तो जैसे आपकी सैलरी हो गई 23,000 रुपये, और जिनको HRA दिया जाता है उनका 26,000 रुपये। ये सभी नियम जैसे CISF में हो, अगर आप असम राइफल में हो या इनमें करे हो, असम राइफल में मान लो आप ट्रेनिंग कर रहे हो और आपका ट्रेनिंग का जो पे है वो 21,700 बेसिक पे सेम है, DA सेम है। अब इसके अलावा फ़र्क पड़ता है HRA, कोई ट्रेनिंग के साथ HRA जोड़ता है, किसी का HRA देने का तरीका अलग होता है। अब असम राइफल है उसमें HRA देने का मान लो तरीका अगर एरिया वाइज डिपेंड करता है, जिस प्रकार से आर्मी में मिलता है कि जो जहाँ ड्यूटी करता है उस पर डिपेंड करता है, अगर उस हिसाब से HRA मिलता है तो आपको ट्रेनिंग में दिया भी जा सकता है, नहीं भी दिया जा सकता, लेकिन मतलब मिलता जरूर है, चाहे वो ट्रेनिंग के बाद मिले। तो इस वजह से ट्रेनिंग की जो आपकी पे आती है सभी की अलग अलग आएगी, सभी की डिफरेंस आएगी, पे में काफ़ी चेंजिंग रहेगी। साथ ही आपके जो हर महीने के जो अगर आप मार्च में ज्वाइन करते हो तो आपको 10,000 रुपये जुलाई में एक्स्ट्रा जो पैसा मिलता है वर्दी अलाउंस, वो भी ज़रूर मिलता है। अगर आपका मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई यानी चौथे महीने में आपको 10,000 रुपये जो एक्स्ट्रा मिलता है वो मिलता है, लेकिन हाँ दीपावली का बोनस आपको इस साल नहीं मिलेगा। अगर आप ट्रेनिंग अगर जिस साल ज्वाइन करते हो उस साल में आपको दीपावली का बोनस नहीं मिलता, उसके लिए कम से कम आपकी 12 महीने की सर्विस होनी चाहिए, उसके बाद ही आपको दीपावली बोनस मिलता है। दोस्तों ये भी बात आपको कंपलसरी बता दे रहा हूँ। तो अब ये इस प्रकार से चेंजिंग होते हैं ट्रेनिंग में। तो ट्रेनिंग में आपका अगर आप मेरे से पूछो कि आपको पेमेंट कितना रहने वाला है, तो ट्रेनिंग की आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो 25,000 से लगा के कम से कम 28,000 या 29,000 के बीच में रहने वाली है सभी की। जिनका HRA ज़्यादा है 24% है उनकी 27,000-28,000 टच करेगी, जिनका HRA कम है उनकी 25,000 के आसपास सैलरी रहने वाली है। दोस्तों अब बात करते हैं सर्विस बटालियन में जब आप जाते हो तब सैलरी में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों होता है, सैलरी इतनी कईयों की ऊपर उठ जाती है, कईयों की कम उठती है। अब मान लो आपको 28,000 मिल रही है, कई
ट्रेनिंग करने के बाद में कईयों की पेमेंट 33,000 रहेगी या 35,000 रहेगी, कईयों की पेमेंट 45,000 50,000 रहेगी। इसका रीज़न क्या, इतना चेंजिंग क्यों रहता है हर एक डिपार्टमेंट में? आप देखोगे एक ही डिपार्टमेंट में इतना चेंजिंग है तो अदर डिपार्टमेंट में चेंजिंग क्यों होता है? अब जैसे एक पहले आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ, BSF का। BSF में अगर आप राजस्थान में ड्यूटी कर रहे हो और आप जम्मू में ड्यूटी कर रहे हो तो आपकी सैलरी में 15,000 का डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि BSF में जम्मू में बॉर्डर एरिया लगता है, हार्ड एरिया लगता है, वहाँ पर 20,400 वहाँ का रिस्क अलाउंस है, जबकि राजस्थान में रिस्क अलाउंस आपका 4,000 के समथिंग है, तो 16-17,000 का ये डिफरेंस आता है। तो इस डिफरेंस की वजह से आपके अब जो यहाँ पर ड्यूटी कर रहा है उसको 4,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है, जो जम्मू में ड्यूटी कर रहा है उसको 20,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो उसकी पेमेंट 35,000 है तो उसकी 51,000 है प्लस। साथ में क्या होगा, अब अगर आपका HR 8% लगता है, जैसे आप विलेज से फ्रॉम विलेज या किसी गांव से आते हो तो आपका 8% ग्रामीण इलाकों में 8% है, और जो नगर से या महानगर से आता है उसका 24% है। तो जैसे कोई दिल्ली से बिलोंग करता है, हैदराबाद से बिलोंग करता है, तो यहाँ का 24% है, तो 24% जहाँ का HR मिलता है तो मतलब बेसिक पे का 24%। तो अगर मान लिया आप 22,000 आपकी बेसिक पे या 21,700 आपके बेसिक पे, तो उस हिसाब से उनका HR 24%, तो 24% अगर HR बनेगा तो मतलब 4,000 से ऊपर हो जाएगा, 4,000 तो वो आपके प्लस, अब आपके रहेंगे 1,800 के आसपास, उसका रहेगा 4,800 के या 5,400 के आसपास HR, तो मतलब 4,000 का वो डिफरेंस, तो आपकी सैलरी में 20,000 का भी डिफरेंस आ गया एक ही डिपार्टमेंट में। मतलब आप BSF में ही बात कर रहा हूँ अभी। अब अदर डिपार्टमेंट अगर आप CRPF में भी हो तो CRPF में जैसे श्रीनगर में ड्यूटी है या आपकी छत्तीसगढ़ में ड्यूटी है तो यहाँ पर हाई रिस्क अलाउंस है, या अगर आप कोबरा में ड्यूटी कर रहे हो तो 17,300 प्लस आपको कोबरा का TPT 2,000, मतलब 20,000 के आसपास ये एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। और अगर आप पीसफुल एरिया मतलब दिल्ली या किसी ग्रुप सेंटर में काम करते हो, ग्रुप सेंटर में आपको 3,000 रुपये के समथिंग पैसे मिलते हैं, या किसी सिटी में 3,000 से 4,000 TPT मिलता है, तो आपकी यहाँ 20,000 और यहाँ पे 3,000 एक्स्ट्रा, तो बेसिक पे तो सेम रहेगी लेकिन जो एक्स्ट्रा मनी है उसकी वजह से पेमेंट में इतना चेंजिंग आ जाता है। तो किसी को पेमेंट 50,000 मिलेगी और आपको 30,000 या 35,000 इस प्रकार से पेमेंट मिलेगी। अगर मेरे से पूछा जाए कि ओवरऑल CISF, BSF, CRPF, CISF इनकी ओवरऑल जो पेमेंट की जो आपको ट्रेनिंग के बाद में कितना मिलेगा, तो मिनिमम 35,000 आप मान के चलिए, 35,000 से आपको पैसा कम नहीं मिलेगा। अब ये चेंजिंग कैसे होते हैं, इनकी पोस्टिंग किस हिसाब से डिवाइड होती है, इसके हिसाब से बता रहा हूँ दोस्तों। होता क्या कि जैसे आप ट्रेनिंग करोगे चाहे CISF में CRPF, सभी की डिवाइडेशन की हुई है अपने स्तर पर, सभी का रिस्क अलाउंस देने का तरीका खुद का फोर्स का है। मतलब इसको गृह मंत्रालय डिसाइड नहीं करता कि आपको रिस्क अलाउंस कितना मिलेगा, इसको डिसाइड करता कि आप जिस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करते हो, जैसे अगर आप SSB में ज्वाइन करते हो, असम राइफल में ज्वाइन करते हो, CISF में, CRPF में ज्वाइन करते हो, तो आपका जो हेड होता है, जो मेन आपका डिपार्टमेंट का जो हेड होता है DG, वो डिसाइड करते हैं, वो एक कमेटी वो डिसाइड करती है कि हमारी फोर्स किस जगह ज़्यादा डिफिकल्ट काम कर रही है या किस जगह हाई रिस्क एरिया है, तो वो डिसाइड करते हैं कि इस हाई रिस्क एरिया में हम इतना रिस्क अलाउंस देंगे, इस हाई एरिया में हम इतना रिस्क अलाउंस देंगे, पीसफुल एरिया में इतना रिस्क अलाउंस देंगे। लेकिन गवर्नमेंट गृह मंत्रालय अगर डिवाइड करता तो सभी डिपार्टमेंट में सेम रिस्क अलाउंस होता, लेकिन सेम नहीं है। अब जैसे अगर आप CRPF में ड्यूटी करो, जम्मू में ड्यूटी करो, तो आपको रिस्क अलाउंस 9,700 है, लेकिन वहीं आप BSF में ड्यूटी कर रहे हो तो आपका 20,400, मतलब डबल है। एक ही जगह ड्यूटी कर रहे हो लेकिन रिस्क अलाउंस का फ़र्क है, क्यों? क्योंकि BSF के लिए जम्मू एक हार्ड एरिया है, CRPF के लिए ईजी एरिया, क्यों? CRPF वहाँ पर बॉर्डर ड्यूटी नहीं करती, क्योंकि जम्मू में जो ज़्यादा रिस्क है वो बॉर्डर पर है, वहाँ पर BSF ड्यूटी करती है तो उनको बॉर्डर का रिस्क अलाउंस मिलता है, क्योंकि वो हाई रिस्क एरिया है उनके लिए, तो वो वहाँ पर 20,400 देती है, जबकि CRPF या CISF वहाँ पर 9,700 ही देती है। क्यों? क्योंकि वो उस एरिया में ड्यूटी नहीं कर रही, उनके लिए वो पीस कीपिंग एरिया है, मतलब नॉर्मल एरिया है, ज़्यादा हाई रिस्क वाला एरिया नहीं है। तो वहीं पे अगर CRPF में हो या BSF में, दोनों में चेंजिंग नहीं है। इसका क्या रीज़न हुआ कि अगर आप वहीं BSF में ड्यूटी करें, वहीं CRPF में ड्यूटी करें, तो आपकी पेमेंट में कितना अंतर आ जाएगा? नॉर्मली 10,000 का अंतर आ जाएगा। फिर उसके बाद में HR का भी डिफरेंस देखें तो HR की वजह से भी डिफरेंस आ जाएगा। अब बात रहती है कि सर हम ग्रामीण से बिलोंग करते हैं, क्या हम शहर में अपना एड्रेस चेंज करवा सकते हैं या शहर का एड्रेस बनवा सकते हैं? तो दोस्तों देखिए, आपका जो मूल निवास है उसी पे डिपेंड करता है, लेकिन यदि आपकी फैमिली किसी किराए के मकान में अगर कहीं बाहर रहती है, मतलब दिल्ली जयपुर वहाँ रहती, तो बिल्कुल वहाँ का किरायानामा लगा के आप वहाँ का HR प्राप्त कर सकते हो। अगर आप मेरिड हो और आपकी मान लो वाइफ या आपका हस्बैंड ड्यूटी करता है या वहाँ से दिल्ली या किसी शहर में रह के पढ़ाई करता है, तो बिल्कुल आप वहाँ का किरायानामा लगा के वहाँ का HR प्राप्त कर सकते हो दोस्तों। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आप गांव से बिलोंग करते हो तो 24% HR नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हो आप, लेकिन कंडीशन ये है कि वहाँ पर आपकी फैमिली, अगर आपकी वाइफ वहाँ पर तैयारी कर रही है किसी एग्ज़ाम की या वहाँ पर जॉब कर रही है प्राइवेट, या किसी प्रकार से आपकी फैमिली अगर दिल्ली में रह रही है, तो वहाँ का आप किरायानामा लगा के
वहाँ का एचआरए प्राप्त कर सकते हो जितने दिन पे वहाँ पर वो किराए रहते हैं। या अगर वहाँ पर आप नया मकान खरीदते हो तो बिल्कुल आप अपना एड्रेस भी चेंज करा सकते हो। सिटी में अगर आपका मकान तो वहाँ का एड्रेस चेंज करा सकते हो और आप भी 24% एचआरए ले सकते हो दोस्तों। तो इस प्रकार से आपकी सैलरी की पूरी गणित इस प्रकार से बनती है। अब चाहे आप सीआईएसएफ में हो चाहे सब राइफल में, आप एक ही एरिया में ड्यूटी करोगे तो भी आपकी सैलरी में डिफरेंस होगा, जबकि बेसिक पे सभी की समान होती है। अब बात आती है सबसे ज़्यादा पैसे कौन से डिपार्टमेंट में है, चाहे बीएसएफ में सबसे ज़्यादा सैलरी रहती है, सीआईएसएफ में रहती है, एसएसबी में रहती है या आईटीबीपी में रहती है। एसएसबी का नाम बार बार ले रहा हूँ क्योंकि दोस्त बोल रहे हैं कि आप सर एसएसबी का भूल जाते हो, बहुत कम नाम ले रहे हो, या आईटीबीपी में मिलती है। तो दोस्तों मैं बता दूँ सबसे ज़्यादा पेमेंट है, गवर्नमेंट जब पेमेंट डिवाइड करती है तो सभी जितनी पैरामिलिट्री फोर्स है उनको एक औसतन पेमेंट देती है, उसमें से अब जो आपका डिपार्टमेंट है वो डिवाइड करता है उनके लिए कौन सा हाई रिस्क एरिया। तो सबसे ज़्यादा पेमेंट किस में मिलती है ये डिपेंड करता है आपकी ड्यूटी पे कि आप ड्यूटी कहाँ पर कर रहे हो। जो हार्ड एरिया में ड्यूटी करता है उसको सबसे ज़्यादा पेमेंट मिलती है, बाकी ये कहीं नहीं है कि इस डिपार्टमेंट में ज़्यादा पेमेंट है या इस डिपार्टमेंट में ज़्यादा, डिपेंड करता है आपकी ड्यूटी पे। अब हार्ड एरिया में ड्यूटी किसको मिलती है तो ये कोई फिक्स नहीं है। हार्ड एरिया में ड्यूटी आप चॉइस पोस्टिंग से ज़रूर ले सकते हो, लेकिन वहाँ से डिपार्टमेंटली जब आपकी पोस्टिंग होती है तो वो कोई इस आधार पर नहीं होती कि आपको हार्ड दिया जाएगा, आपको ईजी दिया जाता है, वो एक नॉर्मल प्रोसेसर से आपकी ड्यूटी बांट सकते हैं। लेकिन आप अपनी खुद की इच्छा से चॉइस पोस्टिंग लिखे कि मेरे को इस हार्ड एरिया में ड्यूटी करनी है तो ज़रूर आप ले सकते हो। कुछ एक बार हार्ड एरिया में जाने के लिए आप ज़रूर दे सकते हो और आपको वो चॉइस पोस्टिंग मिल जाती है। अगर आपको ज़्यादा पैसा चाहिए तो आप हार्ड एरिया या रिस्क एरिया में जा सकते हो दोस्तों। जय हिंद।